एक तरफ जहां गुजरात की राजनीति के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा, वर्षों से बीजेपी के प्रखर विरोधी रहे हार्दिक पटेल ने हाथ का साथ छोड़कर अपने हाथों से कमल थामा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में राजनीति की अलग अलग चालें चली जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नंबर आने वाला है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसा कर गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल ये बातें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा, मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार एक फर्जी केस में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली है। उन्हीं सूत्रों से खबर मिली है कि केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने वाली है। केंद्र ने एजेंसियों को फर्जी केस तैयार करने को कहा है। आपको याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा, सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया का नंबर। अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं, तो पता नहीं फिर ईमानदार कौन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के, दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं, तो फिर ईमानदार कौन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी, हम डरते नहीं, सभी को एक साथ गिरफ्तार करवा लो। खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय 30 मई को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि ईडी ने जैन पर यह कार्रवाई कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े कथित हवाला लेन देन के मामले में की है। पॉलिटिकल डेस्क, जनहित टाइम्स।